नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की भारत और समकालीन विश्व के नाम से, फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है इसी को हम लोग देख रहे थे। तो इसमें आपके 3 चैप्टर खत्म कर चुके थे। तीसरा चैप्टर, लास्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा था नाथसीवाद और हिटलर का उदय। याद रखिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो कक्षा 6वीं से जितनी भी बुक्स हमें आपके सिविल सर्विस हो या फिर स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी हैं, वो सभी हम लोगों ने कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक हमें देखनी है, जिनमें हम लोग कक्षा 8वीं तक की सभी बुक्स अभी तक देख चुके हैं। कक्षा 9वीं की भी हम लोग 3 बुक्स देख चुके हैं, ये आपकी चौथी बुक्स है। और याद रखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। तो समय रहते आप लोग पढ़ लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास। तो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी चैप्टर आपके डले हुए हैं। कक्षा 6वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक उसी में मिलेंगी सब, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, अध्याय 4 में हम लोग वर्ण, समाज और उपनिवेशवाद। आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अपने स्कूल और घरों में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं। इस किताब का कागज, मेज कुर्सियां, दरवाजे खिड़कियां, बेरंग जिनके जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी ट्रॉफी के सेलोफेन रेपर, वीडियो के तेंदुपत्ते, गौंद शहद, कॉफी चाय और रबड़। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वनों से हमें उत्पाद मिलते हैं या वनों से जो हमारे लिए उपयोगी लकड़ी होती है उनके बारे में बात करें। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चरम शोधक टैनिन या फिर दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस जलावन की लकड़ियां यानी कि जलाने वाली लकड़ियां, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल पशु पक्षी, ढेरों दूसरी चीजें भी तो जंगलों से ही प्राप्त होती हैं हमें। अमेजोन और पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं, अमेजोन और पश्चिमी घाट के जंगलों में। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए पर्याप्त यानी कि साफ किए जा रहे हैं। अभी मैं परसों नरसों 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि हर मिनट विश्व में इतने जंगल साफ किए जाते हैं 4 फुटबॉल मैदान के बराबर। समझ सकते हैं, हर मिनट में इतना वृक्ष काटा जा रहा है। और बताया जा रहा था कि जो जंगलों से यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें हमारी जरूरतों के लिए जो भी सामान उनसे उत्पादन मिलता है हमें, वो जितना 6 से 7 साल भर में उत्पादन करते हैं उतना हम 6 से 7 महीने में खत्म कर देते हैं। यानी कि जो हमारे लिए साल भर चलना चाहिए वो हमें 6 से 7 महीने में खत्म कर देते हैं। इतना तेजी से विनाश कर रहे हैं हम लोग प्राकृतिक चीजों का। और फिर याद रखिए, एक दिन कमी पड़ जाएगी, उसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि जब आप खर्च करते जाएंगे, आपके पास 100 रुपये है और उससे आप 15 दिन में खर्च कर देंगे तो बाकी फिर महीने का कैसे खर्च चलाएंगे। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना कि किस तरह से आपको खर्च करना है। यह छत्तीसगढ़ का एक साल वन है, ये दिख रहा है। घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुंच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियां देख सकते हैं नीचे भी। अब बात करते हैं वनों का विनाश क्यों हो रहा है आखिर। वनों के लुप्त होने के सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। जो वनों का लुप्त होना क्या कहलाता है?
वन विनाश। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उपनिवेशवाद शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप से ग्रहण कर लिया है। आइए भारत में वन विनाश विनाश के कुछ कारणों पर गौर कर सकते हैं। एक बात आप लोगों ने देखी होगी आप कि आप पहले जहां रहते थे वहां चारों तरफ पेड़ दिखते थे, उसके बाद कटना चालू हुआ, फिर आप देखते हैं आप लोग कि गिने चुने पेड़ उस तरफ जगह दिखते हैं। ठीक है, तो इसे आप भी कई उदाहरण दे सकते हैं वनों के विनाश होने का। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, यह आज आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इस सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। उपनिवेश काल में खेती में तेजी से फैलाव आया, यानी कि एक कारण यही है आपका कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, अब उनके लिए खाने के लिए साथ उत्पादन तो होना चाहिए, कुछ खाद्यान्न तो होना चाहिए। खाद्यान्न के उत्पादन के लिए आप लोग क्या होता है कि वनों को काट दिया जाता है साफ करके, उसकी जगह खेती करने लगते हैं। इस चित्र को देख लीजिए, हरेन द ब्लीच वर्लपूल, जब घाटियां भरी पड़ी थी, जॉन डॉनसन की पेंटिंग है, इस तरह से देखते हैं। लकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिका अमेरिकी मैदान में रहते थे, का अर्थतंत्र अत्यंत विविधपूर्ण था। वे मक्का उगाते थे, बेसन का शिकार करते थे और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बेसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा और 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई इनकी। देख रहे हैं औचित्य में, इसकी कई वजहें थी। पहली थी, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन थी, गन्ना थी, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांगों में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी के शुरुआत में उपनिवेशी सरकार ने जंगलों को अन्न उत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस पर बैठ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है, इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। यही वजह थी कि 1860 से 1920 की 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। एक बात आप लोगों ने देखी होगी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से, कि जब आपका एक खेत खत्म होता था उसके बाद दूसरा खेत चालू होता था, उसके बीच एक मैड होती थी, मैड टाइप की, मतलब खाली जगह छोड़ दी जाती थी, तब वो उस पर एक आपका ट्रैक्टर भी निकल सकता था, इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। लेकिन अब आप समझ सकते हैं, अब चलने की भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, यानी कि उसे भी लोग छोड़ते नहीं है, सोचते हैं कि उत्पादन में इसका भी योगदान हो जाए, उससे भी कुछ मिले उन्हें। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है, यानी कि जंगलों को मिटाया जाता है। किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथप्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों ने से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगाधिकारियों की अपनी जमीन की आपत्ति इनके पहले पूर्वज नबुरु नदेरी प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, यानी कि खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों और नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। यहां भी आपका कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। परती जमीन पर कब्जा करके उस खेती के
उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशों को बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यही वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित बड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहना देना चाहिए जो इसके मूल को नहीं समझ सकता है। ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्थ वर्वरों के गिरोह जैसे हैं, जो ना तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और ना ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी अधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इस मुल्क की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। आपका डेविड स्पर द रेड रे ऑफ एम्पायर 1993 में ये उद्धृत किया गया है, ये बात जो हम लोगों ने देखा था। अब बात करते हैं पटरी पर स्लीपर यानी कि रेल। देखिए चित्र दिख रहा है, सिंहभूम के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण छोटा नागपुर मई 1897। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरी बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। यानी कि इस तरह से ले सकते हैं कि सरकार को काटने की पेड़ की अनुमति हो और आदिवासियों से कटवाए, और लेकिन आदिवासियों को अपने घर के लिए अगर लकड़ी के लिए जरूरत है लकड़ी की तो उन्हें ना काटने दिया। स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक रखते थे, इन्हें आप लोग स्लीपर कहते थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे? जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे रचाई और बनाई रखी जा सकती थी? 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। क्या हुआ कि 19वीं सदी में आपका इंग्लैंड में वन खत्म होने लगे और उन्हें कठोर लकड़ी की जरूरत पड़ती थी नौसेना में, जैसे जहाज बनाने के लिए और साज सामान बनाने के लिए। तो उन्होंने हिंदुस्तान का मोड अपनाया, यानी कि हिंदुस्तान की ओर बढ़े। और 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना ने के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए तो रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1720 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। कब? 1890 में। 1940 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेली मद्रास प्रेसिडेंसी के में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। बांस के बेड़े कसालोग नदी के में बहकर जाते हुए चित गांव गौक पर्वती पट्टी। आप समझ सकते हैं इसे, कैसे समझ सकते हैं कि अगर
पेड़ काटिए, उसकी जगह अगर दूसरे पेड़ लगाते रहिएगा, यानी कि बदलते रहिएगा। अगर यही चलता रहता तो पेड़ों की कमी कहाँ आती है? लेकिन हम क्या करते हैं, काट देते हैं लेकिन उनका लगाना जारी नहीं रहता है। ये तो उसी जैसा हो रहा है कि माँ बाप हमें पाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम 4, 7, 8, 10 भाई हैं, फिर भी माँ बाप ने अच्छे से पाला, किसी की परवरिश में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, आगे चलकर 8 से 10 अगर भाई हैं, फिर भी एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम देख लेते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी तरह है इनका भी, कि हम उनसे तो बदले में प्रेम अपना लालन पोषण ले लिया, लेकिन उन्हें बदले में उनकी सेवा नहीं दे पाए। तो पेड़ों से हम अपनी जरूरतें तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग, उनकी क्या मांग है उसे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए कमी हो रही है। ये अक्षेत्र देख रहे हैं, 5, रंगून के एक लकड़ी में गोदाम में लकड़ी की सहती सहजता हुआ हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों, लकड़ी के गोदामों में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। मुल्तान और सुक्कूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी, 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से, जिसके लिए 10 फुट × 10 इंच × 5 इंच, यानी कि 5 इंच या फिर 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होती होगी, या कि 2 लाख क्यूबिक फीट के से ऊपर लकड़ी की जरूरत होगी। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती थी, ईंटें पकाने के लिए नहीं जरूरत होती है, ठीक है। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करते थे करेंगे यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइनें नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इनके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, कितने, 22 लाख। यह आपका ईपी इस्टविंग द फॉरेस्टेड ऑफ इंडिया भाग 2 1923 के रिपोर्ट से ली गई है, ठीक है, ये देख रहे होंगे। ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर लौटती औरतें, ये तो आप लोग ने कुछ समय तक देखा होगा, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो जनजाति आज भी यही काम करते रहते हैं। चित्त साथ लट्ठे ले जाता हुआ एक ट्रक है। लट्ठे काटने के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करते हैं, जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके उस जगह। जंगल के उन रास्तों से इनकी इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों को जाते थे, लेकिन इनकी इनसे फर्क नहीं पड़ता था, ठीक। लेकिन जब ट्रकों के यूज करने लगे, यानी कि बड़ी मात्रा में वन काटे जाने लगे, तब फर्क पड़ा है, वरना इससे पहले आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय का चलता रहता था। और इस तरह की प्राकृतिक जो भी हानि होती थी वो प्रकृति अपने आप कवर कर लेती थी। अब चलते हैं बागान के लिए। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने, और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया। चाय, कॉफी की खेती की जाने लगी। फ्लेजर ऑफ ब्रांड चाय, चाय की वैरायटी थी। फिर आपका व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा है कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायटिच बैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया, यानी कि सलाह के लिए बुलाया। उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। वन विनाश का एक कारण वॉर है,
आप याद रखिए, जनसंख्या का बढ़ना क्या होता है कि आपने एक घर बनाया, ठीक है, आपके घर में 10 मेंबर थे, उसके बाद 20 मेंबर होते हैं, आपने दूसरी जगह घर बनाया तो वहां कुछ जंगल खड़ा हुआ था, पेड़ खड़े हुए थे, उन्हें काट दिया, तो देखिए पेड़ों का विनाश तो हुआ है। ऐसा तो है नहीं है कि पहला मकान आपने छोड़ दिया हो, वहां भी आपने सफाई करके ही मकान बनाया था दूसरी जगह। एक जनसंख्या भी आपका का बढ़ना भी आपका एक वन विनाश का कारण है, ठीक है। बैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा, इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की, कब? 1864 में, और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों से ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया, इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, इसे बगान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा, कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहला आपका 1878 में, फिर आपका 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, आरक्षित, सुरक्षित और बाग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता था, गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे, वे घर बनाने और ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या फिर ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। ये देख रहे हैं आप लोग, इटली स्थित टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा है। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं, पत्तों, फलों, दूसरे उत्पादों के लिए उपयोगी नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें, यही वह मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया। ये देख रहे हैं कांगड़ा का एक देवदार बागान 1933 का है, इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स के भाग आपका 15 से ये ली गई है पिक्चर्स, इसे देख रहे हैं। द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल था ये, ठीक है। वैज्ञानिक वानिकी क्या था, ये शब्द क्या है? वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह पर नए पेड़ लगाने लगाए जाते थे, इसी के लिए आपका वैज्ञानिक वानिकी शब्द यूज किया जाता था। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, आखिर से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपने अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों, रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके, ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों, इसलिए सागौन और साल जैसे प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया, दूसरी किस्म काट डाली गई। यहाँ आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उपनिवेश काल में
किसकी जरूरत थी? अंग्रेजों को जरूरत थी आपकी लकड़ी, जिससे रेलवे लाइन बिछाई जा सके, जहाज बनाए जा सके, उनके लिए जो भी साज सामान होता था वो भी बनाया जा सके। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उनके लिए क्या जरूरी था? कि उनसे कोई उत्पाद मिले, गाय जो भी पशु पक्षी पशु पाल रहे हैं उनके लिए खाने के लिए कुछ चारा मिले, ठीक है, इस तरह के उनके लिए वन उपयोगी थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय राजा तो वही थे, माने हमारी सलाह कुछ भी हो लेकिन मानती तो उनकी ही सलाह चलती थी। या धन विधेयक को ले सकते हैं आप लोग, कि राज्य सरकार को, राज्यसभा को सलाह तो दी जाती है, मतलब भेजा जाता है विधेयक, लेकिन उसकी कुछ भी सलाह हो, हाँ में हो या ना में हो, लेकिन लोकसभा इसमें मुख्य उत्तरदायी रहता है। यानी कि लोकसभा जो चाहेगा वो करेगा, अगर उसे करना है, पास करना है, तो राज्यसभा मना करती रहे फिर भी पास कर देता है। तो यानी कि राज्यसभा से सलाह तो ले रहा है लेकिन चल कुछ भी नहीं रही है राज्यसभा की। ये आप देख रहे होंगे जंगल, जंगलों में महुआ बीनना, गांव वाले उजाला होने के पहले ही उठकर जमीन पर गिरे हुए महुओं के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते थे। महुआ के पेड़ बेशकीमती हैं, महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इनके बीजों से तेल भी बनाया जाता है। आप लोग इन्हें कहाँ देखते होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी काफी हद तक इस तरह के हैं। और एक आपकी कबूतर जनजाति होती है, जाति होती है, अब जनजाति में नहीं, ये इनका काम ही ये रहता है कि शराब बनाना, ये इसी से शराब बनाते हैं आपके महुआ से। चलते हैं आगे, वन इलाके में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो तो दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेतों खेती के औजार बनाने में किया जाता था। बांस के बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकती हैं, इसका उपयोग छतरी टोकरी बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है, पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोनों बनाए जा सकते हैं। स्यादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है, सैमूर सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। महुओं के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। एक बात आप लोगों ने देखी होगी, मैं बार बार ग्रामीण क्षेत्र की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी भी काफी हद तक इस तरह के जो भी उत्पाद हैं वो जंगलों से ही उत्पाद वहां से प्राप्त करते हैं, उपयोग करते हैं। आप लोग शादियां हुआ करती थी तो पत्तलें जिसमें खाना खाते थे वो पत्तों की ही बनी होती थी, जंगल से ही पत्ते लाकर बनाई जाती थी। आप जो भी टोकरी यूज करते थे, जो भी उपयोग में करते थे, वो सब जंगल के बांस हो गया, इससे उपयोग में इससे बनाई जाती थी। यानी कि हर चीज उन्हें बांस से यानी कि जंगलों से प्राप्त हो जाती थी, उनका उपयोग वहां से कर लेते थे वो लोग। लेकिन अब बदल रहे हैं समय, तो आप देख रहे हैं प्लास्टिक की पत्तल भी यूज होने लगी है, गिलास भी यूज होने लगा है। अब अगर आपको देखने को मिलता हो अगर ये पत्ते वाली पत्तल, तो आप लोग अपना बताएं, अपना क्षेत्र बताएं, और मैं भी तो जानू कहाँ है अभी भी इस तरह की संस्कृति बची हुई है, कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग। सूखते हुए तेंदुपत्ते, जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदु से के पत्तों की बिक्री का आय एक प्रमुख साधन था। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते थे। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध मुख्यतः पत्ते इकट्ठे करते थे। इसका उपयोग आपने देखा होगा बीड़ी बनाने के लिए उपयोग होता है तेंदू का। इस चित्र को देख रहे होंगे आप लोग, चित्र 14, खलियानों से अनाज लाते हुए। खलियानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं, पुरुष अपने कंधों के आर पार एक घड़ी छड़ी में बंदी टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती हैं। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ी। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना
आदि रोजगारों की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पकड़े जाने की स्थिति में वे बंद रक्षकों को दिया दया पर होते थे और उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगली जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। एक बात आप लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि जो भी आपके आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, फिर आदिवासी विद्रोह, फिर चाहे आपका किसान विद्रोह, ये इसी का तो परिणाम था कि उससे पहले आपका 1857 के पहले, उससे और पहले, जब तक हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए, तब तक कोई भी कहीं भी जा सकता था, पेड़ काट सकता था, अपनी जरूरत के लिए खेती भी कर सकता था, उसकी मर्जी चलती थी। आदिवासियों को कोई रोक टोक नहीं थी कि वो इस क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, वो एक तरह से जंगलों के राजा थे। लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने पाबंदियां लगानी शुरू की, इसी का परिणाम था कि आपका विद्रोह होना शुरू हुआ। ठीक, वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई आखिर? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम यानी कि घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमैन या तावी, श्रीलंका में चैना, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए दाया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, फोंडू, खानदाद और कुमरी, ऐसे ही कुछ अन्य स्थानीय नाम है इसके। याद रखिए, इसे आप लोग किस तरह से ले सकते हैं, झूम खेती या स्थानांतरित खेती को, कि आपने एक जगह खेती की, फिर उसकी जगह आप छोड़ देंगे, दूसरी जगह बन काट की दूसरी जगह खेती करेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे अगली बार, फिर तीसरी जगह जाएंगे। इसलिए आपको उपजाऊ जमीन मिलती रहती थी और आपको फायदा होता रहता था। इसे ही झूम खेती या स्थानांतरणीय खेती कहते थे। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर दो एक साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक के लिए पत्ती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लेटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। चित्र देख रहे होंगे आप लोग, 15 देख रहे हैं। टोंग्या खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आजादी थी। 1921 में बर्मा के थारवाड़ी डिवीजन से लेकर लिए गए इस क्षेत्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष अब धरती में छेद बनाते थे और औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी। इस तरह से धान रोपाई होती थी पहले। यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ ही सालों के अंतर पर खेती की जा सक रही है, वो ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित यानी कि हटा दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे 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 बड़े विद्रोहों के जरिए विद्रोह भी किया। देखिए इस तरह से जंगल के पेंदा और पौधों हिस्सों को जलाना। घुमंतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर भी बिखेर दिए जाते और वर्षा में से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता। बात करते हैं शिकार की आजादी किसे थी इस समय। जंगल संबंधी नए कानून ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानून के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते रहते थे।
या पारंपरिक प्रथा थी, आप गैर कानूनी हो गई, यानी कि अंग्रेजों से पहले आपको स्वीकार करने की भी आजादी थी। लेकिन जैसे ही आपके अंग्रेज आए तो इन्होंने गैर कानूनी बना दिया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया उस पर। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। इस चित्र को आप देख रहे हैं, मछली मारने वाला लड़का, बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते। बांस के टेप को जिसे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए, बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली इसमें चली जाती थी और फंस जाती थी मछली, जिस तरह से चूहा आप लोग पकड़ते हैं घर में। जहां एक तरफ बंद कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आकेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तानों में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु उपनिवेशवाद शासक के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली बर्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान के सब को सब बनाएंगे। बाघ, भेड़िए, दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000, कितना, 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए, 2 लाख के करीब भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यू नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित किए गए। हाँ, काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। फिर देखते हो, पहले मतलब हटाया गया, मारा गया, फिर बचाया जा रहा है। यानी कि वो तो वैसे ही हुआ कि पहले लड़कियों को कोख में मारा गया, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन करके, यानी कि योजनाएं लाकर उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह पहले शेर बाघों को मारा गया, फिर बाघ, आपके बाघ टाइगर प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, टाइगर प्रोजेक्ट लाकर बचाया जा रहा है, हाथी प्रोजेक्ट लाकर बचाया जा रहा है। यानी कि पहले उन्हें खत्म कर दिया गया, उसके बाद उनकी, जब हम सो के जागे तब तो हमें पता चला कि इनका भी महत्व है हमारी जिंदगी में, तो उन्हें भी बचाने की प्रयास में लगे हुए हैं। ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे। नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग फोटो में मृत बाघों की गिनती करे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलानी होती थी। यहाँ भी कुछ पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। बेगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी थी। क्या थी यह याचिका? हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। आग ताप पर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती है? कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता था। घास उगाने वालों को भी उनकी जमीन में से बेदखल नहीं किया जाता। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती है। आपने देखा होगा वन अधिकार, फिर आपका 2006 में आता है, 2006 में वन अधिकार जनजातियों के लिए, ये आपका जो वाक्य देखा है हम लोगों ने, एबेरियम एलिमेंट 1939 के माधव गाड़गिल व रामचंद्र गुहा, दिस फिसर्ड लैंड इन एल इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उद्धृत था, यानी कि वहां से लिया गया है। फिर आपका नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं,
जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। अब आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को हमें मिला। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रहे मैनियोक उगाने वाली ब्राजीली एमेजोन के मुंदुरुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापारियों व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि गोमंतु समुदाय के माध्यम से हाथियों दूसरे सामान जैसे खाल सिंह रेशम के कुए हाथी दांत बांस मसाले रेसे घास गोंद राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। तेंदुपत्ते भी आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाके में वन उत्पाद के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कुरावा कराचा एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों खदानों बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसी आदिवासी मर्द व औरतें दोनों ही भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब थी। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं होती थी। पुतुमाओ में रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी, यानी कि भयानक थी। एमेजोन के पुतुमाओ क्षेत्र से पेरुबियन रबड़ कंपनी ब्रिटिश व पेरुबियन सांझे में थी ये कंपनी द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो दोस्त कहे जाने वाले स्थानीय नियंत्रणों की बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुतुमाओ में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ। इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया है कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंजीनियरों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंजीनियरों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए दया की भीख मांगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते थे। यानी कि उन्होंने आदेश दिया कि ये काम करना है और नहीं माना तो उन्हें मार दिया जाता था, यानी कि इस तरह से कड़ी सजा दी जाती थी। निकोलस डार्ट्स कोलोनियलिज्म एंड कल्चर माइकल ताउसी कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ से लिया गया है इस पूरा का लाइन। इजारेदारी क्या होता है? इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार, यानी किसी चीज पर आपका एकाधिकार होना, ठीक है, कि आपके अलावा दूसरा नहीं कर सकता है वो चीज, ठीक है। फिर आपका वन विद्रोह होता है। मैंने बताया ना कि आपको भी जब कोई भी वन विद्रोह का लोग करते हैं जब वहां से लूट जाए, यानी कि उनकी जिंदगी में आप इतना दखल देने लगे कि वो अपने परेशान हो जाए तभी वो आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे, ठीक है, जब सहन शक्ति से बाहर हो जाए। हिंदुस्तान और दुनिया भर में अन्य वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिंधु सिद्धू
कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय पठारी है। बस्तर का केंद्रीय पठारी भागई। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में गोदावरी का मैदान आपका, इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, फतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबाने बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं, यानी कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लेकिन इनके रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते हुए। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है। इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में एक छोटा शुल्क शुल्क अदा कर देते हैं, यानी कि टैक्स की तरह चुकाते हैं, जिसे देवसारी या दंड या फिर मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने यानी कि गांव का समूह के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये चित्र आपका दांतेवाड़ा हो गया, कांगेर हो गया, ये छत्तीसगढ़ का पूरा, इस तरफ महाराष्ट्र, रायपुर, उड़ीसा, ठीक है, इंद्रावती ये नदी हो गई, पहाड़ियां, अबूझ मात, कोटरी, पाखंजूर, भानु प्रताप, पोरचरमा, अंतागढ़, केसकाल, काकेर, नरसिंह, यहाँ आप लोग देख रहे हैं। सीमाएं, राज्य, जिला, तहसील, नदी, सड़क, रेलवे लाइन। चित्र 20, पहले चित्र 19 ही देख लो। बस्तर में सेना का कैंप 1910 में, बस्तर में सेना की एक कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया। सेना तंबुओं और बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहे हैं। सन 2000 में बस्तर, 1947 में बस्तर रियासत को कौखेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कौखेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया और जो बस्तर जिला था ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। 1990 का विद्रोह कौकेर वन क्षेत्र से ही शुरू हुआ था और जल्द ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के दो तिहाई हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांव को आरक्षित वनों में स्थल पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई ढुमाई का काम मुफ्त में करेंगे, यानी कि फ्री में करेंगे, जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांव को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजा के हटा दिए गए। इन्हें सूचना नहीं दी गई और जो मुआवजा अभी आप लोग देखते हैं कि मुआवजा दिया जाता है अगर उनके क्षेत्र में रोड निकल रही या कोई बांध बनाया जा रहा है,
लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं थी। काफी समय से गांव वाले जमीन के बड़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 1900 में, फिर आपका 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धोर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव चलकर चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल, पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया। अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इनके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। इन घटनाओं के एक चमसमीद गवाह मिशनरी विलियम बार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगलों के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे, आदिवासी नेताओं ने से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देने सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी से मई लग गए। फिर भी एक गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यही रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को 1910 से पहले ही योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागजों को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चले, जरा इसी वक्त वहां क्या हो रहा था उसे देखते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ जान लेते हैं, पॉइंट दिए गए इन्हें भी देख लेते हैं। भोड़िया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी। दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी और मरेगा स्कूल जला दिया। केसलोर में लाइने पशु अवरोधशाला टोकापाल राजुर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया। एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए, उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया क्योंकि दीवान मुख सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाले मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमिल्ली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। डेविड, पॉलिटिकल एजेंट, छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस का 23 जून 1910 का कमिश्नर, छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम लिखा गया एक पत्र है, ठीक है। फिर आगे इसे भी देख लेते हैं। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग
इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था। कनकापाल की पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकेले ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए जमीन ली जा रही थी। यह देख उनके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया, लड़ाई शुरू हुई। उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बचने के लिए। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव से दो चार लोग जगदलपुर गए। चितपाल के गार्गी देवा, मेखोला, माकी मिरास के दौल और अवराबुंदी, वालेरास का वादा बंधु, वालेम का उंगा, दूसरे ढेर सारे लोग थे इसमें। इसी तरह से नंदरासा के गुर्जर चंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ पूर्णिया थी। पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोयकाल धुरवा, पंडवा माजी, हर प्रगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा दूर उड़ सकते थे, इसलिए वे उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव पहुंच गए। समझ सकते हैं ये कहानी थी उस समय की। अब चलते हैं जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में जानते हैं इंडोनेशिया की तरफ। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में आप लोग जानते हैं, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांश था वनाच्छादित था, यानी कि वनों से घिरा हुआ था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। जैसा कि हम देखेंगे कि भारत पर इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय यानी कि जातियां रहती थी। सबसे पहले बात करते हैं जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1750 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो वहां यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागुन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक बनकी 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों के जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी, यानी कि पहुंच को रोक दिया। उनकी जो ग्रामीण लोग थे उनकी जंगल तक जो पहुंच थी पहले उस पर अवरोध डाल दिया गया। इसके बाद नाव या फिर घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए भी दंडित किया जाने लगा। आप भी सोचिए कि आपकी जिंदगी में पहले कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई रोक टोक ना हो, जहां जाना है आप मस्ती से जाइए, जो खाना है खाइए, जब सोना है सोइए, उठना है उठिए। लेकिन एकाएक आपकी जिंदगी में भी इस तरह के बदलाव हो जाए, आपके खाने पर भी पाबंदी लगा दी जाए, जाने पर भी पाबंदी लगा दिया है, घूमने पर भी पाबंदी लगा दी जाए, तो आप भी तो कुछ दिन बाद बगावत पर उतर आएंगे और विद्रोह कर बैठेंगे। तो यही हालत उस समय का भी था। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू
करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जापान से ही 2,80,000 सिलिकॉन पर निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढूंढने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया, बाद में कुछ गांव में कुछ शर्त पर इससे मुक्त यानी कि मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में यानी कि फ्री में करेंगे। इस व्यवस्था को बिले बिले बिलेंडो डी एन स्टैंड के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बाद बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। इस चित्र आप लोग देख रहे होंगे ना, जंगल से सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी, औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर था। सामी की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू बिलातुंग गांव के निवासी सुरों तिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उस पर अधिकार नहीं हो सकता है उनका यानी कि राज्य का। जल्दी एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिन वादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों से लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। जब किसी एक विचारधारा को मानने लगते हैं लोग तो उसे वादियों बोलने लगते हैं, जैसे राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग, राष्ट्र से प्रेम करने वाले। अब सामिन से जुड़े जो व्यक्ति थे जो उनकी विचारधारा से सहमत थे उन्हें सामिनवादियों के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं क्या है। सरोजा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क बॉन होजेन ड्राफ ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था कि बटाविया के लोग चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो, मुझे जो तुम्हें बताना है, हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हमें बेपनाह दौलत देकर जहाजों को बनाने की लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक और व्यापारिक संगठित दलों को जिनकी जड़ें इस धरती में धंसी हैं छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी, साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये आपका डर्क बॉन होजेनडॉर्फ पेलुसो रिच फॉरेस्ट पुअर पीपल्स 1952 में उद्धृत उससे लिया गया है। ये आपका पूरा पॉइंट देख लीजिए इसे, ये आपकी यहाँ दिख रही होगी डच ईस्ट इंडीज। 1930 में यूरोपीय आबादी 2,40,000 1% से कम। चीन 1930 में 12,00,000 2% रबड़ और चीनी के इलाके ज्यादातर डच स्वामित्व में थे। ये आपकी रेलवे लाइन हो गई, ये सुमात्रा, ये बोर्नियो, ये जावा द्वीप, ये दक्षिण चीन सागर आप लोग सुनते रहते हैं, अभी भी अक्सर ये चर्चा में बना रहता है। कुआलालंपुर, मलाया राज, सिंगापुर, सरावाक, उत्तर बोर्नियो, सेलेवस, सेलेवेस, ईस्ट वटाविया, डच इंडीज, पुर्तगाली, तिमोर। चित्त 22 इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, काली मंतान व पश्चिमी इरियान में स्थित है। जावा की वह जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के
जंगलों से ढका रहता था। अब चलते हैं युद्ध और विनाश की तरफ, वन विनाश की तरफ। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम पहला विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक चलता है, और दूसरा जो विश्व युद्ध था ये 39 से आपका 45 तक चलता है, ठीक है, 1939 से 45, ठीक है। चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करने के वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करने के अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांवों वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंगल के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती एक भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उनसे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। ये आप देख रहे होंगे चित्र 23 यानी कि 23। इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड सोले पेगोडा पर एकत्रित जहाजों में लादने को तैयार बॉर टेम्पर स्लीपर 1917। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम ना होते। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान इंडोनेशिया व दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। अब चलते हैं आगे हम लोग बनकी में नए बदलाव। 80 के दशक में से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वनकी और वन समुदाय को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच गए, ग्रामीणों ने झरना देवराकुंड कान राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरण भी अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे डच उपनिवेशिक शासन के अधीन रैम बैग में लट्ठों का गोदाम है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 4 वन समाज और उपनिवेशवाद। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं। आपको याद रखिए आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर रख लें अपने पास। अगला चैप्टर होगा हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे देखेंगे, ठीक है।